जिला मिर्जापुर तहसील मड़िहान की खास खबर। लखीमपुर खीरी में मंत्री के हत्यारे बेटे द्वारा 8 किसानों को उसकी गाड़ी से रौंद दिया गया, जिसके विरोध में मड़िहान विधानसभा के आंशिक ब्लॉक जमालपुर में हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। 399 मड़िहान विधानसभा की सपा नेत्री वंदना पटेल की अगुवाई में कैंडल मार्च भी निकाला गया। चुनार के पूर्व विधायक जगदम्बा पटेल, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुनील पटेल, विधानसभा अध्यक्ष चुनार बी डी त्रिपाठी, नसीम अंसारी, विधानसभा उपाध्यक्ष सुशील यादव, ब्लॉक अध्यक्ष मड़िहान विधानसभा ने कहा। सुरेश पटेल गैलरी से रमेश पटेल जी, हंसरा से दिनेश पटेल जी, मड़िहान विधानसभा के पूर्व प्रधान उमाशंकर यादव, तूफानी यादव आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही वहां पर सपा नेत्री वंदना पटेल की समर्थक उपस्थित रहे और इस मार्च में किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो जैसी आवाज ही बुलंद की गई। साथ ही सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है के नारे लगाए गए। कैंडल मार्च में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का सपा नेत्री वंदना पटेल ने आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ कैंडल मार्च को कवर करने आए पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त किया। मड़िहान विधानसभा के आंशिक ब्लॉक जमालपुर में हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। 399 मड़िहान विधानसभा की सपा नेत्री वंदना पटेल की अगुवाई में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें चुनार के पूर्व विधायक जगदम्बा सिंह पटेल भी उपस्थित रहे। जिला मिर्जापुर से ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खास खबर। क्या लग रहा है इस समय वर्तमान सरकार फेल है क्या हर मामले में, कानून व्यवस्था या दूसरी? बिल्कुल फेल है ना, नौजवानों का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, हमारी महिलाओं का शोषण हो रहा है, बहनों का शोषण हो रहा है, हर जगह पूरे देश का शोषण हो रहा है। संविधान खतरे में है, हमारा पूरा राष्ट्र खतरे में है। किसान भाइयों के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी की जो घटना है उसमें हमारे कई किसान, लगभग 8 किसान शहीद हो गए हैं, उनकी शहादत में आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। यहाँ पे करीब 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं निकलता है, आखिर इसके पीछे क्या लग रहा है? उनका अहंकार है सत्य का, कह लीजिए कि सत्य का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। जब उनको हमने देश सौंपा था इसलिए कि हमारे नौजवान, हमारा किसान, हमारे पूरा देश हमारा उनके हाथों में सुरक्षित रहे, लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ना ही किसान सुरक्षित है, ना ही नौजवान सुरक्षित है, ना माताएं बहनें यहाँ सुरक्षित हैं।